असलाकुम uh, सर आपने कहा था कि इस कायनात का खालिक अकल कहती है कि वो किसी चीज़ का मोहताज नहीं है मेरा सवाल इस एनालॉजी uh, से क्लियर होगा कि अगर हम अपने आप को चूंटिया समझे एक कागज़ के ऊपर यानी वो कागज़ हमारी कायनात होगी तो हमें तो यही लगेगा कि जो बंदा लिख रहा है जो हस्ती लिख रही है वो किसी चीज़ की मोहताज नहीं होगी लेकिन असल में वो एक मोहताज इंसान है जो लिख रहा है तो मेरा सवाल था कि ये हो सकता है हम किसी तौर पे इस्टबलिश कर सकते हैं कि इस कायनात का खालिक असल में किसी चीज़ का मोहताज नहीं है कि ये आखिरत में इतना चलेगा हमारे इलम के दो ही पहलू होते हैं एक ये कि खुद हमारे तस्वर में कोई चीज़ कैसी होनी चाहिए तो हम जब ख्याल करते हैं कि ये अजीम कायनात जिसमें फासले अब हमारी साइंस ने नूरी सालों में ढाल दिए हैं जिसकी अज़मतें किसी तरह गिरफ़्त में नहीं आती जो इस तरह की कायनात का खालिक है उसको किसी चीज़ का मोहताज नहीं होना चाहिए और अगर वो किसी चीज़ का मोहताज है तो जाहिर है कि अपने से बरतर किसी चीज ही का मोहताज होगा तो नतीजे के तौर पर वो बरतर चीज़ भी फिर उसकी खालिक बन जाएगी ये सिलसिला लामतना ही हो जाएगा चुनाच अक्ल यही कहती है कि अगर हमने किसी खालिक को मानना है तो ये सिफत उसमें होनी चाहिए अकल का मामला ये है कि वो मुशाहदाती चीज़ों से मतलब तो कह सकती है ये हैं लेकिन अकली इस्तेमाल की चीज़ें जिनमें इन्फ्लेंस किया जाता है उनमें बस ज़्यादा से ज़्यादा यही कह सकती है कि ऐसा होना चाहिए यही फ़लां के शान शान है फ़लाँ बात मान ली जाए तो उसका ये नतीजा ही सामने आना चाहिए अकल इससे ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकती इसके बाद हमें किसी जगह से ख़बर मिल जाए तो चुनाचे जब अल्लाह ताला ने पैगंबरों का सिलसिला शुरू किया और अपनी ज़ात अपनी सिफात और अपने सुनन का तारुफ कराया तो उसमें यह बता दिया कि तुम सब अल्लाह ताला के मोहताज हो और अल्लाह इन सब चीज़ों से बेनियाज है चुनाचे वो सूर जिसको कुरान मजीद का कल्प कहा जाता है उसमें यही ऐलान किया गया है कि ना उस परवरदिगार का कोई हमसर है ना उसकी जात से कोई हस्ती बनी है ना वो किसी की ज़ात से है और वो असमद है हर चीज़ से बेनियाज है लेकिन हर चीज़ उसके सहारे की मोहताज है तो इस इलम के हासिल होने के बाद हमारे उस अकली तस्वूर की तस्दीक आसमानी वही से हो गई इसको हम मानते हैं बाकी हकायक तो आखिर में जाके ही खुलेंगे सारे